उस संबंध के रूप में जुड़ने के कारण उनके साथ मिल करके इस तरह की जिम्मेदारियां लेने की स्थिति में खुद भी पा रहा हूँ और बच्चे स्वयं भी आगे बढ़ के जिम्मेदारी ले पा रहे हैं। वैसे एक इंसिडेंस और शेयर करना चाहूँगा इस जिम्मेदारी वाले भाव पे। जब मैं इसी कोर्स को ह्यूमन वैल्यू का कोर्स जब UPTU में इंट्रोड्यूस हुआ और एज ए कोर्स जब मैं क्लास में पढ़ाने लगा तो सामान्यतः मैं देखता हूँ कि टीचरों में भी स्टूडेंट्स में भी इवन बहुत सारे कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों में भी ह्यूमन वैल्यूज़ के कोर्स को लेकर के काफ़ी नेग्लिजेंस का भाव है। उनको लगता है ये कोर्स तो ऐसा है जिसको कि बिना पढ़े ही पास हुआ जा सकता है, नंबर स्कोर किया जा सकता है, इसमें अधिक मेहनत करने की या क्लास में भी ध्यान देने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, या बहुत अच्छे टीचर जो क्लास में मेहनती टीचर हैं कॉलेज के उनको इस कोर्स पे लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी एक मानसिकता ऊपर की हायरार्की से लेकर बच्चों तक के टीचर्स में भी सब में देखने को मैं देख रहा था। उसी क्रम में एक इंसिडेंस हुआ कॉलेज में जब मैं क्लास ले रहा था ह्यूमन वैल्यू की, तो कुछ क्लासों में ऐसा देखने को मिला कि पीछे वाली बेंच पे बच्चे बैठ करके किसी दूसरे सब्जेक्ट के असाइनमेंट की कॉपी किया करते थे और वो क्लास में ध्यान नहीं देते थे। तो एक दिन मैंने देखा तो उस पर चर्चा किया क्लास में कि अगर इस तरह का हो रहा है इसका मतलब ये हुआ कि उन स्टूडेंट को इस कोर्स में पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है, वो इसको महत्वपूर्ण नहीं मान रहा है। अगर स्टूडेंट को ये लगता है कि ये कोर्स उनके लिए उचित नहीं है या वो खुद सब कुछ जानते हैं तो स्वेच्छा से इस कोर्स को ड्रॉप कर सकते हैं, आगे कभी अगर उनकी इच्छा हो तो पढ़ेंगे, लेकिन जो इस क्लास में पढ़ रहा है अगर उसको महत्वपूर्ण मानता है, उसके लिए आवश्यक है, तो वो बैठे उसके साथ बात हो। और अगर कोई तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने इस बात पे सहमति जताई कि नहीं ठीक बात है, लोग इस कोर्स को ठीक से पढ़ें पढ़ना चाहते हैं और पढ़ेंगे। फिर उसी दिन तय हुआ कि अगर आगे से कोई असाइनमेंट करता हुआ पाया जाता है इस तरह से इस घटना इस डिस्कशन के बाद तो उसको क्लास से ड्रॉप कर दिया जाए और आगे से वो उस कोर्स में नहीं पार्टिसिपेट करेगा। उसके लगभग कुछ दिनों बाद एक स्टूडेंट उसी क्लास में और एक दूसरे सब्जेक्ट का असाइनमेंट कॉपी करता हुआ मेरे को पाया गया। मैंने इमीडिएट उसे सम्मानपूर्वक कहा कि आप पहले के हुए निर्णय का पालन करते हुए कोर्स को ड्रॉप कर दें और जाएं बाहर। खैर वो लड़का चला गया लेकिन वो काफ़ी परेशान रहा, बाद में बार बार आया कि मैं इस कोर्स को करना चाहता हूँ। तो एक दिन क्लास में इस सब्जेक्ट के अंतर्गत एक टॉपिक आता है विश्वास, उस विश्वास पे चर्चा हो रहा था, स्टूडेंट्स के चाहने को लेकर के चर्चा हो रहा था। उस चर्चा के दौरान ही मैंने बच्चों के सामने प्रस्ताव रखा कि किसी स्टूडेंट को इस तरह से क्लास से बाहर करना तो हम टीचरों का उद्देश्य नहीं होता है, हमको उन्हें सही समझ दे करके ठीक रास्ते पर लाने के लिए हम यहाँ पर सैलरी ले रहे हैं और उसी प्रोफेशन में हैं, तो क्या किया जाए, कितने लोग उस बच्चे की जिम्मेदारी लेते हैं कि आगे से वो इस तरह की अगर हरकत करता है तो आप लोग उसको रोकेंगे। अगर आप लोग जिम्मेदारी आप में से दो लोग भी इसकी जिम्मेदारी स्वीकारते हैं तो मैं कल से उसको क्लास में अलाउ कर सकता हूँ। और उस डिस्कशन के बाद मुझे खुशी हुई कि उस क्लास का एक एक बच्चा आगे बढ़ के जिम्मेदारी लिया कि उस बच्चे की जिम्मेदारी हम स्वीकारते हैं कि आगे से वो ऐसी जो इंसिडेंट है क्लास में नहीं करेगा। और वो बच्चा नेक्स्ट डे से क्लास में आया और लास्ट में जब मैं एंड सेमेस्टर की कॉपियाँ उसकी चेक कर रहा था जो हमारे यहाँ प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है, उस बच्चे ने उस क्लास में टॉप 5 स्टूडेंट में से परफॉर्मेंस थी वो दिया था, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था उसका। और बच्चों में जो आपस में एक दूसरे की जिम्मेदारी लेने का भाव ज़्यादा वो देख करके मुझे काफ़ी मैं खुश हुआ। तो एक तो इंसिडेंस मैं ये भी शेयर करना चाहता था।